हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लवप्रीत। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम राइड्स। आज मैं जिस बाइक के बारे में बताने वाला हूं, रॉयल एनफील्ड की टॉप वेरिएंट मीटियोर सुपरनोवा ब्राउन के बारे में, उसके आज स्पेसिफिकेशंस जानेंगे, डाउन पेमेंट स्कीम जानेंगे और भी इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज इसकी स्पेसिफिकेशन से। तो बात करते हैं हम फ्रंट टायर से। फ्रंट टायर आपको मीटियोर बाइक का 190 का टायर मिल जाता है दोस्तों, ट्यूबलेस टायर मिलता है, 19 इंच का टायर है दोस्तों। और ये टायर आपको दो कंपनी में मिल जाता है दोस्तों, सीएट और MRF दोनों कंपनियों में आता है। और फ्रंट डिस्क की बात करें दोस्तों, तो 300 mm की आपको फ्रंट डिस्क मिल जाती है दोस्तों, बाइबरी के कैलिपर मिल जाते हैं आपको। और फ्रंट सस्पेंशन के जो आपको ब्लैक कलर मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, शॉकर ट्यूब्स। क्लासिक बाइक में इसके कवर भी होते हैं पर मीटियोर में वो कवर नहीं होते हैं दोस्तों। बात करते हैं मडगार्ड की, तो मडगार्ड आपको प्लास्टिक में मिल जाता है। और हेडलाइट की बात करें दोस्तों, तो बल्ब हैलोजन मिलेगा, पर यहाँ पर जो पोजीशन लैंप है वो आपको LED में मिलने वाली है दोस्तों। इसमें आपको विंडशील्ड भी मिलती है दोस्तों। विंडशील्ड की बात करें दोस्तों, इसकी विंडशील्ड आपको जो टॉप वेरिएंट में ना आपको साथ में मिलती है, नहीं तो अलग से, जैसे फायरवॉल मॉडल हो गया, स्टेलर मॉडल हो गया, उसमें अलग से आपको लगवानी पड़ती है दोस्तों। इसकी हेडलाइट की अगर रिंग की बात करें तो वो भी आपको क्रोम में मिली है। अब यहाँ पर आप लीवर की बात कर लेते हैं, लीवर एल्यूमिनियम के मिल जाते हैं आपको क्रोम में, आपको इसके बार एंड मिल जाते हैं दोस्तों। लेफ्ट साइड में आपको डिमर स्विच मिल जाती है, ये आई बटन है दोस्तों, इसमें ट्रिप की सेटिंग और टाइम की सेटिंग इससे करते हैं हम। और इंडिकेटर स्विच मिल जाती है दोस्तों, यहाँ पर हॉर्न स्विच मिल जाती है। बात करें राइट साइड में, तो रोटरी के किल स्विच मिल जाती है, इग्निशन स्विच, और ये हैजर लाइट की स्विच है दोस्तों, जिसे हम चारों इंडिकेटर जैसे एक साथ चलाते हैं उसको हैजर लाइट बोल देते हैं, तो ये हैजर लाइट की ऑप्शन है। एक चीज़ आपको और दिखाना भूल गया था, यहाँ पर हमें USB की ऑप्शन मिलती है दोस्तों। USB की ऑप्शन से आप जैसे फ़ोन चार्ज करना चाहते हो, चाहे ब्लूटूथ चार्ज करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आपको एनालॉग और डिजिटल मीटर दोनों मिलता है दोस्तों इसमें। और यहाँ पर हमें जो ये निशान है, ये फ्यूल इंडिकेशन का है दोस्तों। यहाँ पर बैटरी का निशान है, न्यूट्रल का आ गया, ABS सेंसर का निशान, ये माल फंक्शन का। और डिजिटल मीटर में बात करें, ये हमें फिर से यहाँ पर फ्यूल इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर हमें टाइमिंग दिख जाती है, यहाँ पर हमें गियर दिख जाता है, कितने गियर में है हम हमारी बाइक अभी, यहाँ पर ट्रिप। अब यहाँ से मैं अगर ट्रिप की ऑप्शन दबाता हूँ तो देखिए वहाँ पर ऑप्शन चेंज हो जाती है, ये ऑटो रीडिंग आ गई है। मैं फिर दबाऊँगा तो ट्रिप ए, फिर दोबारा ट्रिप बी, ट्रिप एफ, ऑटो। यहाँ से हम सेटिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ पर हमें सुपर नोवा मॉडल में हमें ट्रिपल नेविगेशन साथ में मिल रहा है दोस्तों। ये जो ट्रिपल नेविगेशन है हमें स्टेलर और फायरबॉल में नहीं मिलता दोस्तों, वो कस्टमाइज में 5000 एक्स्ट्रा बुकिंग पे करके मंगवाना पड़ता है बाइक, उसमें बुकिंग का टाइम पीरियड भी है, 2 महीने का टाइम पीरियड भी है दोस्तों। बात करें हैंडल की, तो हैंडल आपको क्रोम में मिल जाता है दोस्तों इसका। और फ्यूल टैंक की बात करें, फ्यूल टैंक की जो फ्यूल लीड है आपको क्रोम में मिल जाएगी राउंड शेप में। और फ्यूल टैंक जो है इसका 15 लीटर का है दोस्तों, आपको रॉयल एनफील्ड की यहाँ प्रीमियम बैजिंग मिल जाएगी दोस्तों। ये वाली बैजिंग सिर्फ स्टेलर और सुपरनोवा मॉडल में दिखती है। यहाँ से हम अगर बाइक में देखें तो बाइक देखिए कितनी अच्छी सुंदर लग रही है दोस्तों। और यहाँ से हम फ्रेम की बात करें दोस्तों, फ्रेम जो है हमें डबल ट्यूब स्पिन में मिल रहा है दोस्तों। पर यहाँ पर हमें J1 इंजन मिल रहा है, J1 इंजन में हमें 349 cc का हमें इंजन मिला है, 20.2 BHP की मैक्सिमम पावर मिल रही है दोस्तों, 27 Nm की हमें टॉर्क मिल रही है मैक्सिमम। और यहाँ पर हमें सिल्वर कटिंग भी दिख रही है, जिससे इसकी लुक और भी बढ़िया हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर हमें गियर लीवर मिल जाता है ब्लैक कलर में दोस्तों। और बात करें साइड स्टैंड की, साइड स्टैंड भी हमें ब्लैक कलर में मिलता है दोस्तों। यहाँ पर हमें फिल्टर बॉक्स मिल जाता है, और ये हमारा सारी गार्ड जो है इसका वो भी ब्लैक कलर में आ जाता है दोस्तों। और इस गाड़ी में आपको जो बैक रेस्ट है वो भी साथ में मिलती है, नहीं तो स्टेलर और सुपरनोवा में साथ में मिलेगी दोस्तों, फायरवॉल मॉडल में आपको अलग से लेना पड़ेगा। और बात करें हम इसके इंडिकेटर्स की दोस्तों, इंडिकेटर्स की आपको क्रोम एंडिंग के साथ ऑरेंज लेंस में हैलोजन बल्ब मिल जाता है। और बैकलाइट की बात करूं दोस्तों, बैकलाइट जो है इसमें आपको LED बल्ब मिल रहा है दोस्तों। बात करते हैं इसकी सस्पेंशन की दोस्तों, सस्पेंशन हमें क्रोमिंग में मिल रहे हैं, ये भी 6-स्टेप एडजस्टेबल और शॉकर्स हैं। और बात करें अगर रियर टायर की दोस्तों, तो 17 इंच का टायर हमें मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर बाइक में मिल जाता है इसमें। और डिस्क की बात करें दोस्तों, तो आपको यह 270 mm की रियर डिस्क मिल जाती है। एग्जॉस्ट की बात करें दोस्तों, एग्जॉस्ट आपको पूरा क्रोम में मिलने वाला है दोस्तों, इसका पूरा क्रोम एंडिंग में मिलेगा दोस्तों। साइड कवर जो है इसका प्लास्टिक में मिलता है दोस्तों आपको। बात करूँ सीट की, तो सीट जो है डुअल मिलती है,
सीट की हाइट जो है दोस्तों 765 mm की है, और इस पे जो अगर बैठते हैं इसको क्रूज़ बाइक बोल आना भूल गया दोस्तों, इसको क्रूज़ बाइक कहते हैं। क्रूज़ बाइक कहने का भी ये एक आपको बता दूँ क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसके जो सीटिंग पोस्चर है दोस्तों बहुत ही रिलैक्स पोस्चर है, और सीटिंग आप राइडर सीट देख सकते हो कितनी कम्फर्टेबल दिख रही है हमें यहाँ से। तो जब हम इस पे बैठते हैं लॉन्ग राइड्स, जो हाईवे, ये बाइक मेन हाईवे के लिए बनाई गई, मतलब हम लॉन्ग राइड्स भी करते हैं तो आप इस पे थकने वाले नहीं हैं दोस्तों, मर्जी दूर जाओ, बहुत अच्छी राइड बाइक है। और वेट जो है दोस्तों 191 kg है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ दोस्तों तो 170 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। बात करूँ दोस्तों इसकी डाउन पेमेंट की, तो कंपनी की तरफ से 12,000 डाउन पेमेंट की स्कीम चल रही है टर्म कंडीशन के साथ। टर्म कंडीशन में आपको हर बाइक में बताता हूँ, जैसे कि आपको सिबिल स्कोर जो है 750 प्लस चाहिए, आपका ITR भरा होना चाहिए, सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए साथ में। अगर ये टर्म कंडीशन है तो आप 12,000 डाउन पेमेंट में एलिजिबल हैं उसके लिए। अगर नहीं है दोस्तों तो भी घबराने की बात नहीं है, आप डाउन पेमेंट ज़्यादा करके ये बाइक अफोर्ड कर सकते हो। और इसकी बुकिंग पीरियड जो है दोस्तों किसी शोरूम में आपको ऑन द स्पॉट में मिल सकता है, और नॉर्मली इसकी 15 से 20 दिन की बुकिंग पीरियड भी चल रही है इस समय। और बात करूं कंपनी की तरफ से मेंटेनेंस की, तो आपको इसके साथ 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है, 4 फ्री सर्विसेज दे रही है दोस्तों 1.5 साल की, और 1 साल का RSA आपको कॉम्प्लीमेंट्री में कंपनी दे रही है। और बात करूं दोस्तों इसकी शोरूम प्राइस की, पंजाब में इसका जो शोरूम प्राइस है 2,25,333 रुपये है, और ऑन रोड प्राइस जो है इसका इस समय लुधियाने में 2,59,000 है दोस्तों। इस प्राइस में आपको ट्रिप नेविगेशन साथ मिल रहा है, विंडशील्ड साथ में मिल रही है, आपको जो बैकरेस्ट में साथ भी मिल रहा है दोस्तों, और भी इसमें एसेसरीज होती हैं जो आपको अलग से ऐड करवा सकते हो दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी बाइक है दोस्तों, अगर आप लॉन्ग राइड्स हैं, राइडर हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये बाइक लें, और बहुत ही आरामदायक बाइक है, क्रूज़ बाइक है दोस्तों। कोई भी सवाल है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट में पूछें दोस्तों, अगर कोई गलती से कुछ गलत बता दिया हो तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं, और कोई सजेशन लेनी हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करना, लाइक और पेज को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करेंगे तो उससे मेरी वीडियो की रीच बढ़ेगी दोस्तों, और भी आप जैसे फ्रेंड्स के पास पहुंचेगी दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नई बाइक के साथ, कुछ के फीचर्स के साथ, और कोई अपडेट आएगी तो मैं उस अपडेट के साथ भी आऊँगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स।